अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और हम बात करेंगे टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स इन पाकिस्तान। टैक्स ईयर 2025 शुरू हो चुका है, बेसिकली तो जुलाई 2024 का महीना, लेकिन यकम जुलाई 2024 से नेक्स्ट टैक्स ईयर स्टार्ट हो जाता है जो 30 जून 2025 को कंप्लीट होगा। डिविडेंड जब आपको मिलेगा तो आपसे कितना टैक्स डिडक्ट होगा, क्योंकि वो आपका फुल एंड फाइनल टैक्स होगा, तो उस पर हम बात करेंगे। और टैक्सेशन इनकम के हवाले से कुछ बात होगी और कुछ बात होगी कि पाकिस्तान में टैक्स का जो अनइवन निज़ाम है उस पर थोड़ी सी बात होगी कि इस पर भी डिविडेंड इनकम में भी किसको फ़ायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है। अच्छा जी, आप जो देख रहे हैं ये मुख्तलिफ किस्म के पर्सनस कह लें, टैक्स पेयर्स कह लें, उसके हवाले से बात करेंगे। और ये जो है फाइलर का रेट दिया हुआ है और ये नॉन फाइलर का। तो अगर आप आईपीपी हैं, पावर जनरेशन कंपनी है, और आप जो है डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो डिविडेंड पे फाइलर से आप 7.5% डिडक्ट करेंगे और नॉन फाइलर से 15%। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आईपीपी जीत के और 25 करोड़ आवाम हार गई, क्योंकि कैश डिविडेंड जो 90% टाइम्स आपको मुझे मिलेगा, कैश डिविडेंड पर फाइलर के लिए 15% है और नॉन फाइलर के लिए 30% है। लेकिन चूंकि पावर जनरेशन के इन्वेस्टर्स जो हैं, कहने को हमारे ही पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो उन्होंने अपने लिए जो है वो डिविडेंड का रेट, टैक्स का रेट डिविडेंड पे कम रखा है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिले। अगर हम सेविंग करके लिस्टेड कंपनीज में, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कर भी लेते हैं तो हमसे 15% लिया जा रहा है। और सबसे बुरी बात यह है 30% उन लोगों से लिया जा रहा है जो पेंशनर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो लोग जिनको पेरेंट्स ने या उन्होंने खुद सेविंग की है और इन्वेस्ट किया और वो चाह रहे हैं कि उनको एक अच्छा मुनाफा आए। तो अगर उनको 1000 रुपये आ रहा है तो उसमें से 300 रुपये कट रहे हैं, या उनको 10,000 आ रहा है तो उसमें से 3,000 कट रहे हैं, जबकि यहाँ अगर 1,00,000 रुपये भी वो ले रहा है तो उतना टैक्स नहीं दे रहा। इसी तरह वो डिविडेंड जो अदर देन कैश दिया जाता है, जिसको आप बोनस शेयर्स कहते हैं, उस पर भी टैक्स लगा दिया गया है। जबकि डॉक्टर इकरामुल हक कहते हैं कि बोनस शेयर्स पे टैक्स लगाया नहीं जा सकता। और उसी तरह एक ऐसी चीज़ जिसमें आपको कैश नहीं भी मिला फिर भी 15% आपसे कैश टैक्स की सूरत में लिया जा रहा है। देखने वाले म्यूचुअल फंड जो है वो स्टॉक, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और उनका जो फंड आपने लिया है उसने आगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, तो जब आपको उनकी तरफ से डिविडेंड मिलेगा तो 15% एज ए फाइलर और एज ए नॉन फाइलर 30%। लेकिन अगर आपने मनी मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको 25% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। मनी मार्केट का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, नेशनल सेविंग नहीं, गवर्नमेंट ने जो है तो उस पर आप ज़्यादा जो है टैक्स दे रहे हैं। इसी तरह रीट यानी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वगैरह मुदारबा, इनके डिविडेंड पे भी 15 और 30 का है। लास्ट जो सिनेरियो है वो ये है कि ऐसी कंपनीज जो टैक्स एग्जेम्प्ट है, जब वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगी तो वो 25% के हिसाब से, यानी वही मनी मार्केट वाला रेट हो गया, 25% के हिसाब से डिडक्ट करेंगे। ये इसलिए किया गया है कि कुछ लोग अपने आप को कंपनी बना के डिविडेंड की सूरत में अपना वो ना लें। अगर वो रेगुलर डिविडेंड हो तो 15%, सपोज करें आप सैलरीड पर्सन हैं और आपकी सैलरी पर इफेक्टिव टैक्स रेट 30% लग गया, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि अपने कंपनी बना सकते हैं, सिंगल मेंबर कंपनी, और अपने एम्प्लॉयर को कह सकते हैं कि जी कंपनी को पेमेंट करें और कंपनी से जब आप डिविडेंड लेंगे तो 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा। और वह ये इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ऐसी कंपनीज जिनका जो है इनकम एग्जेम्प्ट है, वो जब डिविडेंड आगे पे करेंगी तो 25% करेंगी। और इसके अलावा आपकी नॉलेज में ले आए कि एक ऐसा डिविडेंड है जो एग्जेम्प्ट है, यानी कि अगर आप एग्रीकल्चर कॉपरेट फार्मिंग की कंपनी चला रहे हैं और आपके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं तो वो डिविडेंड भी एग्जेम्प्ट हैं। आपने ये करना है कि जब आप पूरा साल कंप्लीट हो जाए तो आपने टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट आपने लेना है, जो भी आपकी कंपनी है
जो आपको डिविडेंड पे कर रही है। अमूमन तो वो ईमेल में भी भेज देते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट इस दफ़ा आपने टैक्स रिटर्न के साथ ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने, और अमूमन FBR मालूमात की वजह से IRS में ये फिगर्स ऑलरेडी आपकी टैक्स रिटर्न जब आप 24 की ओपन करेंगे तो फुल एंड फाइनल वाले सेक्शन में ये अमाउंट्स शो हो रही होंगी। तो इसलिए इस दफ़ा अपनी रिटर्न को बड़े गौर से फिल करें या अपने कंसल्टेंट को कहें। बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के नीचे भी दिया है, वीडियो के दरमियान भी आप देख रहे थे, और उसके अलावा अब जो आपके कोई कमेंट्स हो, आपके क्वेश्चंस हो, तो ज़रूर इस कमेंट्स में दें इस वीडियो के नीचे। उस पर लाइव सेशन भी हम कर सकते हैं जहाँ पे और भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।